अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ओयान, आप देख रहे हैं डिस्कवर दयान। तो अभी हम जा रहे हैं जी मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जिस जहाँ पर गज़वाए तबुक हुआ था। तो जब हम किला तबुक से निकलते हैं, तो किला का हम म्यूज़ियम ज़्यादा, तो उससे जब आप निकलते हैं तो फिर आप, ये एक मेरे पीछे बाजार है, मैं आप लोगों को दूसरा कैमरे का बैक साइड करके दिखाता हूँ, आपको नज़र आएगी कि ये जो बाज़ार है इसमें कितनी मतलब रौनक है। फिलहाल हम तो मॉर्निंग में आए हैं, तो मेरे ख्याल में अभी तो नहीं इतनी, लेकिन शाम के टाइम में यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो फिलहाल मुझे रुकना पड़ेगा, अजान हो रही है। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये रही वो मस्जिद जो कि इन्होंने अभी बनाई है मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। ये रही ये मस्जिद है जी। और उसके बाद ये सारे का सारा जो एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में ये उस टाइम में ये कस्बा तबूक का वो जो मैदान था वो हुआ करता था, ये वाला सारा। और ये किला भी इसी के अंदर ही आता है। तो कस्बा तबूक जो थी, इसकी वजह ये बनी थी कि जो शाम के गालबन यहूदी थे, जब उन्होंने वो सबसे पहले तो वो मतलब कि मदीने में उनके मुनाफिकीन दोस्त बहुत थे, और उसके बाद जो ताजर शाम से मदीना आते थे, उन्होंने बताया जी जो शाम के यहूदी हैं वो लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालबन 30,000 जान नसारों के साथ जंग की तैयारी की, क्योंकि जब ये खबर सुनी उसके बाद इसकी कंफर्मेशन हुई, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उन पर चढ़ाई करेंगे, यानी कि जंग तैयारी करेंगे। फिर मदीना से गालबन 630 हिजरी को निकले, और उसके बाद चलते हुए जो है वो यहाँ पे पहुँचे। 30,000 सहाबा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो यहाँ पे जब पहुँचे तबूक के इस मकाम पे, तो यहाँ पे जब उनको पता चला कि जी ये मामला हो गए हैं, क्योंकि जो शाम की फौज थी, अच्छा जी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, जो शाम की फौज थी, जब वो यहाँ पे मतलब कि उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 सहाबा के साथ यहाँ पे आ गए हैं, तो उनके दिलों में अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा खौफ बैठ गया कि वो मूवमेंट ही नहीं कर सके जो यहाँ पे थे, और वो बाहर नहीं निकल सके। और वहाँ पे भी जब लोगों को पता चला, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में कुछ इस तरह से रोब डाल दिया कि वो बस घरों से बाहर ही नहीं निकले। तो इसी तरह फिर ये है कि ये जो जंग थी, ये बिना लड़े ही मुसलमानों के हक में अल्लाह ताला ने फतह नसीब कर दी। और ये जो सारा एरिया है, फिलहाल मतलब बताया जाता है यहाँ पे जंग तो हुई नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर फर्दर जो मामला थे वो एक लंबा किस्सा है। तो इसी के साथ ही ये जो ब्लॉग था छोटा सा, इसको करते हैं क्लोज। मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह निगहबान।